हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और क्रिप्टो बार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि बिटकॉइन लगातार नीचे की तरफ फॉल होते जा रहा है, रुकने का कोई भी निशान यहां पे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि बिटकॉइन कहाँ तक फॉल हो सकता है, कहाँ से यू टर्न ले सकता है, कहाँ पर हम लोगों को बाइंग करनी चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखना, जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है बिटकॉइन का डेली का चार्ट और आप देखेंगे यहाँ पे पिछले 3-4 दिन में बिटकॉइन बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे की तरफ फॉल हुआ है। अभी तक 1981 के बाद यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट है बिल्कुल अपने टॉप पर है, यानी कि अभी तक का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट पहुंच चुका है 8.6 के आसपास। और जब से इन्फ्लेशन रेट की न्यूज बाहर आई है, तब से बिटकॉइन में लगातार ब्लीड हो रही है। बहुत जबरदस्त तरीके से बिटकॉइन फॉल होते जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक इस रेंज में बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था काफी दिन से, जो कि 28,000 से लेकर 32,000 तक की रेंज थी। लेकिन अभी इसने बहुत दिन इंतजार करने के बाद कि ऊपर चले कि नीचे चले, नीचे की तरफ प्रस्थान कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक बैड न्यूज आती रही। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि बिटकॉइन कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। तो चलिए थोड़ा सा पीछे की तरफ देखते हैं बिटकॉइन में कहाँ कहाँ पर सपोर्ट्स हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये जो मेन सपोर्ट एरिया था, ये पूरा पूरा एक बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट एरिया था बिटकॉइन के लिए, जो कि ये तोड़कर नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका है। तो ये छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं, इन्हीं का हमें चेहरा देखना पड़ेगा, इन्हीं का सहारा हमारे लिए काफी बड़ा सहारा बन सकता है। ठीक है, तो अभी जो प्राइस है वो यहां पर इस वाले सपोर्ट जोन में है, इस वाले में। ठीक है, यहां पे आप ये जो रेड लाइन देख रहे हैं रेड कलर से, 23,700 बिटकॉइन का प्राइस आ चुका है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये कोई उतनी ज्यादा खास सपोर्ट नहीं है और बाइंग भी अभी उस लेवल की नहीं हो रही है कि यहां से जबरदस्त बाइंग हो, वेल्स बाय करें और प्राइस ऊपर की तरफ लेके चली जाए। ठीक है, बाइंग भी उस तरह की नहीं हो रही है। तो यहाँ पे चांसेस ये हैं कि बिटकॉइन का जो 19,600-19,700 वाला लेवल है, यानी कि इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था बिटकॉइन का, इसको टेस्ट करना कंफर्म सा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये एक छोटा जोन है और बिटकॉइन अभी 23,000 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। तो 19,000 का जो एक ये टारगेट है, ये अभी कोई बड़ी बात नहीं रह गई। जब तक प्राइस 30,000 के अराउंड घूम रहा था, तब तक यहाँ पे हमारे पास काफी बड़ी सपोर्ट थी जो कि टूट चुकी है, और अब ये सपोर्ट कोई बड़ी सपोर्ट नहीं बची है। इसको टूटने में वक्त नहीं लगेगा। तो जैसे ही इसको तोड़ के बिटकॉइन नीचे आता है, ठीक है, वो 1% चांस है कि यहाँ से यू टर्न ले ले, अगर बाई चांस काफी बड़ी बाइंग वाइंग कुछ होती है तो वो 1% चांस है। नहीं तो चांसेस अभी यही है कि यहाँ पे जैसे ही इसको ये ब्रेक करता है 23,700 से लेकर, और ये जो जोन है 21,600 तक का है, अगर इस बीच सर्वाइव कर जाता है बिटकॉइन तो यहाँ से यू टर्न ले सकता है, 1% चांस है। नहीं तो इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो 101% 19,700 से लेकर और 16,400 की जो रेंज है बिटकॉइन को यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल लास्ट जोन हम मान के चल रहे हैं कि बिटकॉइन फिर इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का माइंड हमें अपना पहले से प्रिपेयर रखना है। मैंने काफ़ी दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी जब बिटकॉइन अचानक से फॉल हुआ था, और मैं दिखाता हूँ ये वाला जब फॉल आया था यहाँ पे, ये 24,500 के आसपास बिटकॉइन यहाँ पे फॉल हुआ था। तो मैंने उस दिन एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस बार बिटकॉइन जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है ये वाला, इसको टेस्ट जरूर कर सकता है। तो हमें अपने दिमाग को उस तरीके से प्रिपेयर रखना था। हालांकि बीच में कई सारे चांसेस ऐसे आए कि लग रहा था कि प्राइस यहां से ऊपर की तरफ घूम जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिटकॉइन ने काफी दिन काफी बड़ा संघर्ष किया और बिटकॉइन यहां पे असफल रहा, नीचे की तरफ ब्रेक करके अभी नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमें जो अपना माइंड सेट रखना है, देखिए जिन लोगों को बाइंग करनी है उनको मैं पहले ही बता दूं कि यहां पर एक सपोर्ट है, यहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। 23,000 का जो मार्क है वो एक बढ़िया सपोर्ट मार्क है और यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद ये जो लेवल है यहाँ पे फिर आपको अच्छे तरीके से बाइंग करनी है। ठीक है, ये वाला लेवल,
यहाँ पर भी आप लोग बाइंग कर सकते हैं 20-30%, 40% के करीब यहाँ पे बाइंग कीजिए। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉइन्स हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं। जो मैंने लिस्ट बनाई है उनमें जो टॉप टॉप लिस्ट कॉइन है वो दो तीन कॉइन मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो नंबर वन पे जो है वो इथेरियम है, जिसका प्राइस अभी 1220 चल रहा है। बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस में इथेरियम आ चुका है और इथेरियम का जो जोन है 1000 तक बड़ी आसानी से आ सकता है। देखिए इथेरियम ने भी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को आके टेस्ट कर लिया, तो 1000 तक इथेरियम का जाना अभी यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो इथेरियम को आप यहाँ से बाय कर सकते हैं 1000 तक, ठीक है। इथेरियम हो गया। उसके बाद जो नंबर दो का कॉइन है मेरी नज़र में वो है FTT। आप देख रहे होंगे FTT में उतना कोई खास फॉल नहीं आया है ना, ये इसका पिछले दो तीन दिन का चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली कैंडल है। उतना कोई बड़ा फॉल इसमें नहीं आया, 26-27 डॉलर पर ट्रेड हो रहा था और अभी 25 डॉलर का प्राइस है, तो ये काफ़ी मजबूत तरीके से रुका हुआ है मार्केट में और अभी अपने सपोर्ट जोन में है। तो आप लोग जो ध्यान रख सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स में, जो सबसे अच्छा कॉइन है अभी तक मेरी लिस्ट में वो है FTT, जिसने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है। और FTX एक्सचेंज का ये टोकन है जिसकी गिनती आने वाले कुछ सालों में बाइनेंस के आसपास हो सकती है, ठीक है। तो इसका प्राइस भी काफ़ी ऊपर की तरफ छलांग लगा सकता है, तो आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना क्योंकि अभी प्राइस थोड़ा और नीचे की तरफ ड्रॉप हो सकता है। तो एक कॉइन इथेरियम हो गया, दूसरा FTT हो गया। उसके अलावा आप कार्डानो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वेल्स क्या कर रही हैं, वेल्स अभी तक जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ उसमें यही पढ़ रहा हूँ कि वेल्स मैटिक और ADA में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। तो आप लोग ADA चुन सकते हैं थर्ड नंबर का कॉइन। और लास्ट जो फोर्थ नंबर का कॉइन है वो है मैटिक, और इसके साथ साथ आप पोलकाडॉट को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पांच कॉइन है जो टॉप लिस्टेड कॉइन है मेरी लिस्ट में। इन कॉइन्स को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और इनमें बाइंग कर सकते हैं। कुछ समय होल्ड रखेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को इन कॉइन्स में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आप कौन कौन से कॉइन्स अभी बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी यहाँ पे बहुत से लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि बिटकॉइन कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, तो देखिए बिटकॉइन ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, उस चीज़ को आप भूल जाइए, क्योंकि ऐसी बातें हमेशा दिमाग में जब जब क्रैश आता है तो आती रहती है। तो उस चीज़ को छोड़ के आप लोग अभी जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो ऑल्ट कॉइन्स की अपॉर्चुनिटी है या बिटकॉइन की अपॉर्चुनिटी है या फिर इथेरियम की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, उसको आप ज़रूर भुना सकते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जब कॉइन्स ऊपर की तरफ रैली दिखाते हैं, ऊपर की तरफ भागते हैं, तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और एंट्री ले लेते हैं। लेकिन जब इस तरह का दौर आता है, जब क्रैश आता है, तो मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि अभी मार्केट में एंट्री लेना ठीक नहीं। लेकिन जो एक्चुअल में सही टाइम होता है, सही समय होता है एंट्री लेने का, वो यही समय होता है जब मार्केट बिल्कुल रेड हो जाए, बिल्कुल ब्लीड करने लगे, तो उस समय आप लोगों को एंट्री करनी होती है, ठीक है। सारे के सारे कॉइन्स अपने बॉटम पे हैं, 80-90% डाउन हैं सारे कॉइन्स, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, ठीक है। वो एक अलग बात है कि बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाने में कितना समय लगाए वो किसी को नहीं पता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 1 साल भी लगा सकता है। दिमाग में 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट लेके चलना और इन कॉइन्स में, या आप लोगों को जो कॉइन्स अच्छे लगते हो उन कॉइन्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है वो मैंने आपको भी बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन से कॉइन्स आप लोग सेलेक्ट करने जा रहे हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा सा पता चले कि किस किस कॉइन्स में आप लोगों का इंटरेस्ट है। तो समय देने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।